বিহিক বসা জেলাতে নগ্নি বর রগ্ন লগিতে বোর্ড রেখা কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ কারাক সালি ফুঙ্গ বোর্ড নি সামং বতাং সহাজা খেন কাইসা জরানি উল আহমেদাবাদ নি পোলিং বোট থাঙ্গি বোর্ড রেখা অমিত শাহ লুকুরক বাই বাক্সা কে লাইন বাসাওইন বোর্ড রেখা অমিত শাহতে বি নগ্নি বরক রক বোর্ড রেমানি উল আহমেদাবাদ নি কামেশ্বর মহাদেব মন্দির মতাই রেখা অমিত শাহতে বিনি বিহিক সোনাল শাহ অমিত শাহ ন আ সাল সাকলাইখ্যা তিনি লোকসভা চক মারিনি ওয়াই থামদফানি বোট আং যত হাঙ্করনি যত বোটার রগ্নি থানিবতে গুজরাট নি বোটার রগ্নি থানিব খাবাইন কৈমং খ্লাইও তের নি আ পান্ডা ন কাহামকে ন পালানি বাগেতে হাপাং ন চংহরানি বাগে 2024 চুনাও কে তিসরে চরণ কা দিন হ্যায় মে দেশ ভর কে সবি মতদাতাও কো और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनंती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर वन ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग ढाई घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, कॉक खरा।